और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इनटू 3:2। सी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो वहां पे हम लोग 1:1 माने थे, यहाँ पे हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी को ये लोग पार्टनर बनाते हैं और जिसको 1/5 शेयर दिया जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट में। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आइए शुरू करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट टोटल शेयर इज 1। पूरा फॉर्म का शेयर हम लोग 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग रिमेनिंग शेयर निकालेंगे फॉर्म का। 1 माइनस सी को जितना शेयर देते हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 1/5 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4/5 रिमेनिंग शेयर। ये 4/5 ये किसका हो जाता है, ए और बी का जानेंगे। अब हम लोग ए का एज न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको, ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो ए का ओल्ड शेयर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3:2 मीन्स 3/5 2/5। तो ए का ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3/5 इनटू रिमेनिंग शेयर, आप देख ले यहाँ पे दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4/5 इज इक्वल टू 12/25। ठीक है, ये आ गया आपका ए का न्यू शेयर। इसी तरह से हम लोग बी का कैलकुलेट करेंगे, बीज न्यू शेयर ओल्ड शेयर देख लीजिए बी का, ओल्ड शेयर 2/5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2/5 इनटू रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5 इज इक्वल टू 8/25। देखिए सभी का डिनोमिनेटर 25 है। ठीक है, तो अब सी का न्यू शेयर नहीं निकालेंगे, हमेशा ध्यान दें, सी का सिर्फ शेयर को एडजस्ट कर देंगे इसी फॉर्म में हम लोग। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सी शेयर, सिर्फ लिखेंगे सी शेयर 1/5 पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि सभी का डिनोमिनेटर 25 है, तो यहाँ आप 25 लिख दीजिए। अब 25 लाने के लिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा ये आपको सोचना है। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो ऊपर में भी आपको 5 लिखना पड़ेगा। अब आप 5 लिख दें ऊपर में, हो गया, तो अब सबका तीनों का डिनोमिनेटर 25 हो गया। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा आपका, एनपीएसआर 12:8:5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा, किसका, ए बी और सी का। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे।